सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस बड़े अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस अपडेट पे लगभग टोटल जितने भी टेक वाले यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उस पर वीडियो बनाया। यूट्यूब का उस अपडेट, आखिर वो अपडेट कैसा है, वो अपडेट आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल बनाया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मुझे बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करता हूँ आपका गाइडिंग मशाल में। दोस्तों, शॉर्ट्स चैनल किस तरह के होते हैं आपको पता है? शॉर्ट्स चैनल में जल्दी ग्रो होता है, क्यों? क्योंकि जो एज कंपेरेबल तुम्हारी लॉन्ग वीडियोज है, एक तो शॉर्ट को बनाना आसान होता है, 1 मिनट 15 सेकंड का शॉर्ट्स होता है और शॉर्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है अर्निंग की, अब देखिए यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियोज़ क्यों डालते हैं, मैं इस वीडियो को क्यों डाल रहा हूँ यूट्यूब, सिंपल सी बात है अर्निंग के लिए। तो आपको पता होगा कि शॉर्ट्स चैनल पर जो अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जिस तरह से हमारी लॉन्ग वीडियोज़ पर होती है। मान ली उस पर आकर आपने वीडियोस देखे होंगी होगी जिनके शॉर्ट्स पे मिलियंस में व्यूज, जैसे किसी की शॉर्ट्स पे 1 मिलियन व्यूज आया, 2 मिलियन आया, तो उस पर जो मिनिमम जो है वो 300 या 350 रुपये कुछ ऐसे बनते हैं। तो सिंपली इसका कहने का मतलब यही है कि शॉर्ट्स चैनल पे अर्निंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारी लॉन्ग वीडियो पे होती है। उस पर अर्निंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है, डॉलर में अर्निंग होती बहुत कम होती है, $1-$2 शॉर्ट्स पे बनता है। अब जहाँ तक बात है शॉर्ट्स अर्निंग हम करें कैसे, तो बहुत से लोग सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो स्पॉन्सरशिप होता है, दूसरी चीज़ आती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई अपनी वीडियो में कोई प्रोडक्ट को दिखाया, उसमें कह दिया कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपने जो व्यूवर्स है उसने जाके सिंपली डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट जाके उसमें आके लिंक को क्लिक कर लिया और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। तो एफिलिएट मार्केटिंग सिंपली यही है, उसका फिर आपको जो है उसका बेनिफिट मिलता है, उसकी अर्निंग आपको भी उसमें होती है, ये एक तरह का एफिलिएट मार्केटिंग अर्निंग का हुआ है। तो मान लीजिए जैसे मैंने एक माइक का आपको एग्जांपल दिया था, ये माइक है मेरा, ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि मैं इसको अपने वीडियो में स्पॉन्सरशिप करूँ या मैं इसका एफिलेट करूँ, तो मैं बताऊँगा इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, और सिंपली अपने वीडियो के लास्ट में मैं कह दूँगा कि क्या ना मैं अपनी वीडियो में लास्ट में कह दूँगा कि इस माइक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ या पिन कमेंट में दे दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सिंपली यही होता है जो स्पॉन्सरशिप और एफिलेट मार्केटिंग। अब यूट्यूब का आखिर ऐसा अपडेट क्या आया है, तो यूट्यूब के अब नए अपडेट के अकॉर्डिंग जो है ये अभी 10 अगस्त से लागू हो चुका है, 21 अगस्त तक सारे यूट्यूब चैनल पर ये सब क्या लागू हो जाएगा। अब शॉर्ट्स, जैसे शॉर्ट्स वीडियो है, अब आप अपने शॉर्ट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में किसी भी तरह का कॉपीएबल लिंक नहीं डाल सकते हैं। मतलब सिंपली यही बात है कि आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो में किसी भी तरह का लिंक प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं। अभी एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूब का बहुत ही बुरा अपडेट आप इसे भी कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया टेक्स एफसी शॉर्ट हो गया, वो सिंपली क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स देते हैं उनको, जो है क्या नाम है, उससे एफिलिएट मार्केटिंग सिंपली करते हैं, उनका स्पॉन्सर भी करते हैं, उनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है, अब जो है यूट्यूब ने इसी चीज़ को लेकर अब बंद कर दिया है इसको, कि अब आप कोई भी लिंक अपने शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में ना ही पिन कमेंट डाल सकते हैं। अगर आप चाहें अपनी कोई, अब इसमें सिर्फ एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप ही नहीं, अगर आप चाहें किसी लॉन्ग वीडियो का अपना जो है शॉर्ट्स में लिंक डाल दें तो वो भी आप नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई बंदा आपके वीडियो में कमेंट करना चाहे, कोई लिंक कॉपी करके उसको पेस्ट करना चाहे कमेंट में, तो वो भी यूट्यूब अब नहीं करने दे रहा है। ये 10 अगस्त को अपडेट आया था, 21 अगस्त तक सारे जितने भी यूट्यूब शॉर्ट्स जिन पे लिंक डले हुए सब हट जाएगा वहाँ से, तो ये अपडेट यहाँ पे आ रहा है। अब ये अपडेट किस तरह का ये आप मुझे बताइए, कि वैसे तो ये देखा जाए तो इससे हमें नुकसान ही है, फ़ायदा तो वो जहाँ तक कोई दिख नहीं रहा है। और एक चीज़ और है, जहाँ पे आप देखते हैं यूट्यूब बैनर्स में आपने साइड में जो इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर हैंडल जो लोग अपना उससे लिंक करते हैं, अब वो भी चीज़ यूट्यूब ने हटा दिया है। अब आप सिंपली बस सब्सक्राइब बटन होता है ना, उसके पास आपको जो है वो अपने आपके इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर हैंडल और जितने भी आपके जो एक्सटर्नल जो ऐप्स हैं और जितने भी आपके दूसरे ऐप्स हैं उनका आपको लिंक वहाँ पे आपको मिलेगा। क्योंकि अब देखिए सिंपली यूट्यूब यही चाहता है कि जो यूट्यूब की व्यूवर्स है, यूट्यूब का जो ऑडियंस है, वो यूट्यूब को छोड़ कहीं और ना जाए। तो अब मुझे बताइए कि अपडेट किस तरह का है, इस अपडेट को हम सही माने या गलत माने। जहाँ तक मेरा मानना है, ये अपडेट तो मुझे लगा जहाँ तक सही नहीं है। इस अपडेट से जितने शॉर्ट्स चैनल वाले शॉर्ट्स चैनल जो चलाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कि अब लिंक कोई डाल नहीं सकते, वो स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते अपने क्या नाम है शॉर्ट्स में, ना ही एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में यही अपडेट हमने जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, साथ ही में एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।